हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पेपर हैकर में। मैं ब्रजेश सक्सेना आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं आपके सामने एक नए क्वेश्चन के साथ उपस्थित हूं, जिसका नाम है गाइगर मुल्लर काउंटर, गाइगर मुल्लर गणित्र। ठीक है, गाइगर मुल्लर गणित्र की रचना बतानी है हमें और इसकी कार्यविधि यानी वर्किंग समझानी है। जान लेते हैं क्या है गाइगर मुल्लर काउंटर। गाइगर मुल्लर काउंटर जो है वो अल्फा, बीटा, गामा और एक्स रेस के संसूचन और एनर्जीज के मापन के लिए उपयोग किया जाने वाला एक उपकरण है। किसके लिए? अल्फा, बीटा, गामा और एक्स रेस के संसूचन और उनकी एनर्जी के मापन के लिए यूज करने वाला क्या है, एक उपकरण है। कंस्ट्रक्शन की बात करें तो जीएम काउंटर जो है इसमें मेटल की एक सिलेंड्रिकल कैथोड ट्यूब होती है जो कांच के एक एनवलप में इनक्लोज होती है। कांच के एक एनवलप में क्या होती है, इनक्लोज होती है। इस ट्यूब को जीएम ट्यूब कहते हैं यानी गाइगर मुल्लर ट्यूब कहते हैं। जीएम ट्यूब की अक्ष के अनुदेश टंगस्टन का एक महीन एनोड वायर खींचा होता है जो रेस को क्या करता है, जिस रेस को हमें संसूचित करना होता है नलिका में ग्लास एनवलप से होकर उसको हम गुजारते हैं। ठीक है, जो अल्फा पार्टिकल होता है वो कम एनर्जी वाले बीटा पार्टिकल्स के लिए जो ग्लास एनवलप को नहीं भेद पाते एक भिन्न प्रकार की जीएम ट्यूब का उपयोग किया जाता है, इसे एंड विंडो जीएम ट्यूब कहते हैं। इसमें कैथोड ट्यूब में अभ्रक का एक विंडो लगा होता है। ट्यूब में मोनोएटॉमिक गैस जिससे आर्गन 10 सेंटीमीटर पारे के दाब पर भरी होती है। कोई हेलोजन, जैसे हेलोजन कौन कौन से होते हैं, सीएल, बीआर और आई, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन की सूक्ष्म मात्रा मिलाई जाती है। एनोड वायर तथा कैथोड ट्यूब के बीच कई 100 वोल्टेज का वोल्ट का क्या किया जाता है, विभवांतर स्थापित किया जाता है। अब बात करें इसकी वर्किंग की, तो जब कोई आयननकारी कण जीएम ट्यूब में प्रवेश करता है तो वह कुछ आर्गन परमाणुओं को क्या कर देता है, आयनित कर देता है। ठीक है, जिससे क्या होता है, धनायन और फ्री इलेक्ट्रॉन्स उत्पन्न हो जाते हैं। आयन्स में एक पॉजिटिव होता है, दूसरा नेगेटिव होता है। ठीक है, तो फ्री इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो उत्सर्जित हो जाते हैं। इलेक्ट्रॉनों के विशेष प्रकार के कारण यहाँ पर वैद्युत स्थैतिक क्षेत्र जो होता है वो कैसा होता है, रेडियल होता है यानी कि त्रिज्य होता है, जो एनोड वायर के निकट अत्यधिक सख्त होता है। इस एरिया के प्रेजेंस जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं वो तीव्रता से त्वरित होकर आगे आयनन करते हैं। कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर्गन एटम से संघट करते हैं यानी कि टक्कर करते हैं और उन्हें क्या कर देते हैं, एक्साइटेड कर देते हैं यानी उत्तेजित कर देते हैं। उत्तेजित एटम्स अपनी सामान्य अवस्था में लौटते हुए प्रकाश फोटोन उत्सर्जित करते हैं। यदि कोई फोटोन किसी अन्य उत्तेजित परमाणु द्वारा अवशोषित हो जाए तो जो एटम होता है वो आयनित हो जाता है। एटम क्या हो जाता है, आयनित हो जाता है। ठीक है, आयनित होने से इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं जो आगे जाकर एवलांस उत्पन्न करते हैं। एवलांस का मतलब होता है गुच्छा। ठीक है, गुच्छा का मतलब होता है एक बार में बहुत अधिक इलेक्ट्रॉन एक साथ फ्री हो जाते हैं। ठीक है, जिसे हम एवलांस कहते हैं। चूंकि फोटोन इलेक्ट्रिक फील्ड से प्रभावित नहीं होता है अतः वे किसी भी दिशा में जा सकते हैं, अतः एवलांस तेजी से नलिका के संपूर्ण आयतन में फैल जाता है जिससे 10^8 के उच्च क्रम का एम्पलीफिकेशन प्राप्त हो जाता है। तो ये था हमारा आज का क्वेश्चन गाइगर मुल्लर। ठीक है, इसके बारे में मैंने जो आपको बताया वो आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई समस्या है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आज की क्लास में इतना ही, धन्यवाद।